सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में। यहाँ पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स को लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। अब सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में तेजस MK1 को शामिल किया जा चुका है और अभी एडिशनल 83 तेजस MK1A का ऑर्डर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया जा चुका है, लेकिन तेजस की नेवल वेरिएंट को लेके कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। अभी तक तेजस की दो ही नेवल प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं और पिछले 8 महीनों से इन दो एयरक्राफ्ट में से किसी ने भी एक सॉटी नहीं किया है। पिछली बार इसे 20 मई 2017 को उड़ाया गया था। नेवी चीफ सुनील लांबा जी ने तेजस MK2 की नेवल वेरिएंट को सपोर्ट किया था, लेकिन अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस MK2 की नेवल वेरिएंट को लेके इतना सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी अपनी पूरी ताकत से तेजस MK1A और तेजस MK2 को डेवलप करने में लगा हुआ है। ऑल के एक चीफ ऑफिसियल ने कहा है कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को 123 तेजस डिलीवर करने के लिए कमिटेड है और तेजस की नेवल वेरिएंट को पहले ही नेवी रिजेक्ट कर चुकी है और अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना वक्त और रिसोर्सेज नेवल वेरिएंट पर वेस्ट किए बजाय तेजस MK2 पे लगाना बेहतर समझता है। अगला अपडेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके है। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि आज गवर्नमेंट ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेके रशिया के साथ फाइनल नेगोशिएशन शुरू कर रही है। इस डील की कीमत 39,000 करोड़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गवर्नमेंट 2018 से 19 के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल करना चाहती है और रशिया के साथ ये आज तक का सबसे बड़ा एम्युनिशन डील होने वाला है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2015 में अप्रूव किया गया था। ये डील होने के तुरंत बाद ही इंडिया को 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिलीवर कर दिया जाएगा और ऑक्सिलरी बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को 2 साल के अंदर डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट हॉल की लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लेके है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की ट्रायल अभी पोखरण में चल रही है। इसकी ट्रायल के दौरान LCH की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। ये ट्रायल इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साइंटिस्ट की निगरानी में किया जा रहा है। सोर्सेज से पता चली है कि पिछले एक हफ्ते से LCH का टेस्ट पोखरण फायरिंग रेंज में किया जा रहा है और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साइंटिस्ट इसकी अलग अलग पैरामीटर्स को चेक कर रहे हैं। पहली बार LCH ने आयरन फिस्ट 2016 में पार्टिसिपेट किया था। ये 5.5 टन का एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी इंडियन आर्मी के लिए ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम को खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है, जो कि बैटलफील्ड में हमारे जवानों को केमिकल वेपन्स को डिटेक्ट और मॉनिटर करने में मदद करने वाली है। पिछले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर चिंता जताए थे। अभी खरीदा जाने वाला ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम हमारे ट्रूप्स के ऊपर केमिकल वेपन से अटैक होने से पहले ही सतर्क कर सकता है। ऐसे इक्विपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर्स को ISIS के खिलाफ लड़ने में काफी मदद किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी RFI इशू कर दिया है और ऐसे टोटल 3,400 सिस्टम को खरीदा जाने वाला है। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे को एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडियन आर्मी अपनी दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में घुस के भी एक्शन ले सकते हैं। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट हमारे 5 कमांडोज के द्वारा LOC पार करके पाकिस्तानी पोस्ट को नष्ट करने के बाद सुनने को मिला है, जिसमें पाकिस्तान के 3 मिलिट्री पर्सनल मारे जाने की खबर है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में किए गए हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। ये ऑपरेशन उसी का बदला लेने के लिए किया गया था। सिंह ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अमन और शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट इंडिया की सर को किसी भी हालत में झुकने नहीं देने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।